तो पहला प्रश्न देखते हैं, प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए भिन्नों के पांच पांच तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपने को इन ये जो नीचे भिन्न दी गई है इसके तुल्य पांच भिन्न ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसके अंदर अपने को क्या करना है, पांच तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपने पास जो ऊपर नंबर दे रखा है, ठीक है, ये भिन्न है, इसको अंश बोलते हैं, और ये हर। ठीक है, भिन्न क्या होती है, अंश बटा हर। तो ये जो अंश है यहाँ पर आप अंश का बाड़ा बोल देना, जो भी नंबर आपके पास लिखा हुआ है। हमारे पास नंबर लिखा हुआ है दो, ठीक है, तो दो के बाद क्या आता है, दो के बाड़े में चार, तो यहाँ पर आएगा चार, उसके बाद में छः, फिर आठ, फिर 10 और फिर 12। ठीक है, इसके बाद में नीचे अपने पास आठ है, तो आठ की अपने को आठ का पाड़ा बोलना है, आठ की टेबल बोलनी है। ठीक है, तो आठ के बाद में कितना आएगा, 16, 24, 32, 40 और 48। ठीक है, तो ये 2/8 की तुल्य भिन्न हो गई। ठीक है, यहाँ पर अंश का पाड़ा बोलना है ऊपर, और नीचे हर का पाड़ा, तो ये पांच भिन्न तुल्य भिन्न हो गई 2/8 की। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आगे भी करना है अपने को, 6/7 है, तो यहां पर भी अपने को पांच तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। तो यहां पर ऊपर छह है, तो छह का पाड़ा बोलना है, 12, फिर 6 18, 24, 30, फिर 36। ठीक है, नीचे सात है, तो अपने को सात का पाड़ा बोलना है, 14, 21, 28, 35, 42। ठीक है, तो ये अपने पास 2/8 और 6/7 की तुल्य भिन्न हो गई। अगला देखते हैं, इसमें अगला है अपने पास 7/4, तो इसको भी अपने को ठीक इसी प्रकार से करना है, ऊपर 7 है तो 7 का पाड़ा बोलना है, क्या होता है, 7 2 14, 7 21, 28, 35, 42। नीचे 4 है तो 4 का पाड़ा बोलना है, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। ठीक है, आपको पहाड़े जो दोस्तों जरूर लर्न होनी चाहिए, कम से कम 20 तक के। ठीक है, तभी आप इसको कर पाओगे अच्छे से। उसके बाद में अपने पास है 100/45। ठीक है, इसमें आपको तुल्य भिन्न लिखनी है, तो दोस्तों सबसे पहले तो ऊपर 100 है, तो 100 के साथ में एक ही तो है, ये 2 0 तो लगे हैं केवल, तो एक के बाद में 2 आएगा, 3 4 पांच और छः, 2 0 लगे हुए, तो 2 2 0 लगा देंगे अपन इसमें। ठीक है, तो ये 100 की तुल्य भिन्न हो गई ऊपर, और ये 45, तो 45 का पहाड़ा, 45 2 90, ठीक है, और 45 से कितना हो जाएगा, 135, फिर 180, 225, फिर 270। ठीक है, 225 और उसके बाद में 270। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपने पास है तुलना करने के लिए। ठीक है, बड़ा है, छोटा है, या फिर बराबर का चिन्ह का प्रयोग कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं, अपने को कंपेयर करना है इन दोनों भिन्नों को, दोनों फ्रैक्शन को तुलना करनी है, तो इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं इससे, ये बड़ा है, छोटा है और बराबर है। तो इसमें दोस्तों कोई भी दो भिन्न हो, उनकी तुलना करने के लिए अपने को क्या चाहिए कि उनका डिनोमिनेटर जो नीचे हर है वो क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इनमें तो है ही नहीं, तो ऐसे में अपन क्या करते हैं दोस्तों, इनको तिरछा गुणा कर लेते हैं, ये जो अपने पास भिन्न दी हुई है इनको तिरछा गुणा कर लेते हैं, 3 को 5 से और 7 को 2 से। तो करिए, 3 को 5 से, 7 को 2 से, तो दोस्तों तिरछा गुणा करने पर आप क्या देख रहे हो कि 3 को 5 से गुणा करोगे मतलब 15, और 7 को 2 से गुणा करोगे तो 14। ठीक है, गुणा आपको ऐसे ही करना है, पहले इधर फिर ऐसे, तो ये 15 और 14, इन दोनों को तो आप तुलना कर सकते हो ना, तो 15 बड़ा है, तो बड़ा होता है उसकी तरफ मुखला होता है, तो 15 बड़ा है 14 से, तो जब 15 14 से बड़ा है तो यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वही ऊपर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 6/8 और 12/16, इसकी तुलना करनी है अपने को, तो अपन क्या करेंगे, वही तिरछा गुणा करेंगे, 6 को 16 से गुणा करेंगे और 8 को 12 से गुणा करेंगे। ठीक है,
6 को 16 से, 12 को 8 से, तो 16 कुछ ऐसे आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 96, और यहाँ पे भी 96, दोनों क्या है, दोनों बराबर है, तो ये दोनों भिन्नें भी बराबर होगी। ठीक है, अगला देखिए, 11/15 और 12/17 को सेम वैसे ही करेंगे, इसको भी 11 को 17 से गुणा करेंगे और 12 को 15 से गुणा करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो 11 को 17 से गुणा करोगे आप तो 17 एकम 17, एक हासिल चल जाएगी, फिर 1 18, 187 हो गए। 15 से गुणा करोगे तो इसको 15 दूना कितना आ जाएगा, 30, और फिर 3 हासिल तो 180, कौन बड़ा है, 187 बड़ा है, तो यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वही ऊपर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 3/9 और 15/40 में तुलना करनी है, तो 3 तो होगा 40 से गुणा, और ये 15 किससे होगा, 9 से होगा। ठीक है, तिरछा गुणा करना है आपको। ठीक है, फिर देखिए इसको गुणा कीजिए, 0 का 0, 4 को 3 से करोगे तो 12, 15 9 में 135, कौन बड़ा है, 135 बड़ा है, तो कौन सा साइन आएगा, ये कि 3/9 जो भिन्न है वो छोटी है 15/40 से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जो नीचे अपने पास भिन्नें लिखी हुई है इनको अपने को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम क्या होता है दोस्तों, छोटे से बड़ा, आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा लिखना है अपने को, पहले छोटी भिन्न आएगी तो छोटी से बड़ी भिन्न के रूप में लिखना है, पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, आरोही क्रम का मतलब ये होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जब अपन इनको तुलना कर पाएंगे तभी तो अपन इनको लिख पाएंगे कि इनमें से कौन सी छोटी कौन सी बड़ी, यहाँ पर ना तो इनका अंश समान ना हर समान है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इनका हर समान करेंगे, हर समान करने के लिए अपन क्या लेते हैं, लसपे लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं, ठीक है, एलसीएम लेते हैं, तो 5, 7 और 10 इनका लो आप एलसीएम, लघुत्तम लो 5, 7 और 10 का। तो देखो जब अपन लघुत्तम लेते हैं तो केवल अपन जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनसे भाग देते हैं। ठीक है, अब अभाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। ठीक है, जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो वो संख्या खुद, एक तो एक होता है, और एक वो संख्या स्वयं खुद। ठीक है, या फिर इसको अपन सरल शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल अपने आप से डिवाइड होती है। ठीक है, एक से तो सभी संख्याएं होती है, तो अभाज्य संख्या अपने पास कौन कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, आगे ऐसे ही 17, 19, ये सब आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में। तो अपने को अभाज्य गुणनखंड जब इसके कर रहे हैं तो एलसीएम जब अपन इसमें निकालेंगे लघुत्तम, तो अभाज्य संख्याओं से ही भाग देंगे, तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, 5 तो नहीं होता 2 से। ठीक है, 5 2 से विभाजित नहीं होता, 5 में 2 का भाग नहीं जाता, 7 में भी जाता लेकिन 10 में तो जाता है, तो आप यहाँ 2 से भाग दीजिए, 5 में जाएगा नहीं 7 में जाएगा, तो ऐसे कैसे लिख दीजिए, और 10 में 5 बार। फिर आप 2 से देख के देखिए तीनों में किसी में नहीं जा रहा, 3 से 3 भी इसमें किसी में नहीं जा रहा, 3 के पहाड़े में कोई नहीं आता इनमें से। ठीक है, 5 से देखेंगे तो 5 से इन 5 में तो जा रहा है ना, तो 5 से भाग दीजिए, इसमें 1 बार, इसमें जाएगा नहीं, इसमें भी 1 बार, फिर 7 से जाएगा 7 में तो। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास लसपे इसका जो लघुत्तम होता है इसको अपन एल सी एम बोलते हैं। ठीक है, जो कितना हो जाएगा, 2 × 5 × 7, 2 × 5 × 7 मतलब 7 × 5 = 35, और 35 × 70, तो ये जो 70 आया ये इसका कितना आ गया, लघुत्तम आ गया लसप है एलसीएम। तो ये मतलब इन तीनों को अपने को कितना बनाना है, 70 बनाना है। ठीक है, तभी तो इनका हर समान होगा। तो उसके लिए क्या करना होता है, जो अपने पास एलसीएम आता है लसप आता है उसको अपन इनसे भाग देंगे। ठीक है, 5 को 70 बनाना है, तो 70 को आप 5 से भाग दीजिए, 70 को 5 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 14 बार। तो मतलब आपको जो 1/5 है ना इसको किससे गुणा करना है, 14 से, नीचे कर रहे हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, फिर 3/7, 7 को 70 बनाना है, 7 का भाग 70 में दीजिए लघुत्तम में 10 बार, तो 10 से गुणा कीजिए, जो नीचे गुणा कर रहे हैं वो ऊपर भी करना पड़ेगा आपको। फिर आपके पास है 7/10, 10 का भाग 70 में दीजिए 7 बार, तो 7 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे कर रहे हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये बन गया, केवल आपको इसको सोल्व करना है, 1 को 14 से गुणा करोगे तो 14, 5 को 14 से गुणा करोगे तो 70, नीचे तो 70 ही बनेगा, 3 × 10 = 30, 7 × 10 = 70, 7 × 7 = 49। ठीक है, 10 × 7 = 70। अब इनका हर समान हो गया, जब हर समान होता है तो अपन इनको लिख सकते हैं किसमें, आरोही क्रम के अंदर। तो दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए आप, इनका हर तो क्या है, समान है, और अंश छोटा
छोटा लिखना है, तो पहले छोटा ही लिखा हुआ है इसमें तो ऑटोमेटिक छोटा आ गया, 14 फिर 30 फिर 49, तो ये ऑटोमेटिक किस क्रम में हो गई, आरोही क्रम में हो गई, ठीक है। लेकिन आपको इनको थोड़ी लिखना है, आपको इनको लिखना है। तो ये 14/70 किसकी जगह आया, 1/5 की जगह, तो 1/5। 30/70 किसकी जगह आया, 3/7 की जगह। और ये 50/70 किसकी जगह आया, 7/10 की जगह। तो ये आपके आरोही क्रम में हो गई। चाहे तो आप इसके अंदर ये चिन्ह भी लगा सकते हैं कि छोटे से बड़ा है ना ये, तो ये से ये छोटा है फिर ये छोटा है, ठीक है। जैसा भी आपके आंसर दे रखो उस हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए इसका। अगला क्वेश्चन है 2/9, 2/3 और 8/21। सेम वैसे ही करना है कि 9, 3 और 21, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, हर समान होगा तभी तो बता पाएंगे अपन। तो इनका एलसीएम निकालेंगे, आपके पास नंबर है 9, 3 और 21, ठीक है। देखो इसमें न 2 का भाग जाएगा, तीनों में किसी में जाएगा, 3 का जाएगा। 3 का भाग इसमें 3 बार, इसमें 1 बार, इसमें 7 बार, फिर 3 का भाग 3 में तो जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, फिर इसमें 7 का भाग जाएगा केवल। तो इनका एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 3 × 3 × 7, ठीक है। 3 × 3 = 9, 9 × 7 = 63, ठीक है। तो 63 इसका कितना आ गया, लसएफ है जिसको बोलते हैं एलसीएम, ठीक है। तो सबको 63 बनाना है, तो 9 का भाग 63 में दीजिए 7 बार, तो इस 2/9 को किससे गुणा करना है, 7 से गुणा करना है। फिर 2/3 है, 3 का भाग दीजिए इसके अंदर कितनी बार जाएगा, 21 बार, तो 21 से गुणा करना है। नीचे कर रहे हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा। फिर 21 का भाग इसके अंदर दीजिए 3 बार, भाग दे के देख लेना आप, 3 बार ही जाएगा, तो ऊपर भी आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 × 7 कितना आ गया आपके पास, 14, 9 × 7 = 63, ठीक है। और 21 × 2 = 42, और ये 63, 8 × 3 = 24, और ये 63, ठीक है। आपको इसको किस में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है, छोटे से बड़ा, ठीक है। तो पहले कौन सा आएगा इनमें से, देखो नीचे तो सब में 63 ही आएगा, नीचे कितना आएगा, 63 ही आएगा भाई, जो भी लिखो आप, कोई से भी लिखोगे नीचे सब में 63 ही है। आपको छोटे से बड़ा लिखना है, तो सबसे छोटा कौन है, 14, फिर 24 और फिर 42। तो ये तीनों तो आरोही क्रम में हो गए, लेकिन अपने को किसको लिखना था, इनको, 2/9, 2/3 और 8/21 को, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में तो तीनों सेम ही आ गए थे, करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। यहाँ पर देखो ये 14/63 है, ये किसकी जगह है, 1 नंबर की जगह, 1 नंबर मतलब 2/9। तो आपको यहाँ क्या लिखना होगा, 2/9, ठीक है। 24/63 ये किसकी जगह आया, 3 नंबर की जगह मतलब 8/21। तीसरा देखिए 42/63, मतलब ये कहाँ पे आया, 2 नंबर पे, 2 नंबर पे कौन है, 2/3, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिए इनको, या फिर आप साइन लगा सकते हैं कि ये छोटा से छोटे से बड़ा है, तो ये साइन लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर है हल कीजिए, केवल आपको हल करना है। हल करने का मतलब आपको इसको सोल्व करके इसका केवल आंसर निकालना है। अब देखिए ये 2 भिन्न है आपके पास, एक तो 2 + 3/5, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे आप मिश्रित भिन्न को बदलते हो ना, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल समझाना चाहूंगा पहले मैं, जैसे आप मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हो, जैसे आपके पास ये ऐसे लिखा हुआ है कि 2 = 4/5, ये मिश्रित भिन्न है 2 से 4/5, तो अपन कैसे बदलते हैं इसको, नीचे तो 5 ही रहेगा, ऊपर क्या करते हैं, 5 × 2 + ये 4, तभी तो आता है 10 और 4 = 14/5, ठीक है। तो सेम आपको इसको भी वैसे ही करना है, क्या आएगा, नीचे तो 5 ही आएगा, ऊपर क्या आएगा, 5 × 2, वही मिश्रित भिन्न के जैसे, 5 × 2 मतलब 10 + 3 है तो +3, अगर -3 होता तो अपन यहाँ -3 लिखते हैं, ठीक है। तो 10 + 3 कितना हो गया अपने पास, 13/5, ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, 8 ही आएगा नीचे, तो 8 × 4 मतलब 32 + 7, तो +7 लिख दीजिए, 32 + 7 कितना हो जाएगा, 29, 39/8, ठीक है। अभी माइनस का क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें बताते हैं क्या करना है। वैसे आपको यहाँ +7 है तो +7 लिखना है, ठीक है, और अगर माइनस होता तो -7 लिख देते अपन। अगला देखिए, तीसरा प्रश्न उसी का, 3/5 + 2/7, ठीक है। यहां पर दोस्तों देखो, दोनों के नीचे अलग अलग भिन्न
है, ठीक है, जो दोनों का अपने पास हर है वो दोनों अलग अलग है, दोनों भिन्नों के अंदर हर अलग अलग है। तो यहाँ पर आपको या तो इसको एलसीएम लेके करना पड़ेगा, लैसे पे लेके, जैसे आपको अभी बताया था उनमें आरोही क्रम में लिखने के लिए, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, एक इसके अंदर एक ट्रिक और है। यहां पर 5 है और यहां 7 है, ठीक है, यहां पर 5 है और यहां 7 है, दोनों ही अभाज्य संख्या है। मैंने बताया था अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें केवल अपने आप का भाग जाता है, 5 में केवल 5 का जाता है, 7 में केवल 7 का जाता है। तो यहां पर आप इस 7 से गुणा कर दीजिए, इस भिन्न को इसके 7 से गुणा कर दीजिए हर से, और ये 2/7 है ना, इस भिन्न को इसके जो साथ में भिन्न है ना उसके हर से गुणा कर दीजिए, मतलब 5 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो देखो 3 × 7 कितना हो जाएगा, 21, 7 × 5 = 35, प्लस 2 × 5 मतलब 10, और ये 35। अब हर समान हो गया आपके पास, तो हर को एक बार लिख दीजिए, और 21 + 10 है तो 21 + 10 लिख दीजिए, ठीक है, माइनस होता तो अपन 21 - 10 लिख देते, ठीक है, तो 21 + 10 कितना हो जाएगा आपके, 31, और 35 का 35, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो माइनस का प्रश्न आ गया, ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों ये मिश्रित भिन्न है, 8 से 1/2 उसको माइनस करना है 3 से 5/8, ठीक है, 8 से 1/2 में से माइनस करना है 3 से 5/8। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए आप, जो मिश्रित भिन्न होती है ना, मिश्रित भिन्न, ठीक है, मिश्रित जो भिन्न होती है, इसको ना तो आप प्लस कर सकते ना माइनस कर सकते, ठीक है, ना आप इसको गुणा कर सकते ना आप भाग कर सकते, तो मिश्रित भिन्न में आप कुछ नहीं कर सकते। आपको मिश्रित भिन्न को किसमें बदलना पड़ेगा, अनुचित भिन्न में बदलना ही पड़ेगा। तो अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं, आपको भी बताया था, एग्जाम्पल देखिए, 2 को 8 से गुणा करोगे तो 16, 16 + 1 = 17, तो ये कितना हो जाएगा, 17/2, 8 × 3 = 24, 24 में 5 जोड़ोगे तो 29/8, ठीक है। अब आपको यहाँ 2 है और यहाँ 8 है, आप इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, या जैसे आपको अभी बताया था यहाँ 5 और 7, लेकिन यहाँ देखिए दोनों क्या है, ये दोनों अभाज्य संख्या थी, ठीक है, यहाँ अभाज्य संख्या ये नहीं है, तो यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए सीधा 2 और 8 का, तो 2 का 1 बार, और फिर 4, फिर 2 से 2 बार, और 2 से 1 बार, तो कितना आया, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो आपके पास एलसीएम कितना आया, 8 ही आया, ठीक है। इसमें ऐसा क्या होता है दोस्तों, अगर आपके पास दो नंबर लिखे हुए हैं और दोनों अभाज्य संख्या है, तो आपको केवल दोनों को गुणा ही करना है, ठीक है, इस 5 से इसको गुणा करना है, 7 से इसको गुणा करना है, लेकिन आपके पास ऐसे नंबर है जो एक ही टेबल में आते हो, ठीक है, एक ही पहाड़े में आते हो, जैसे ये 8 जो है और 2, ये दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, तो इसमें बड़ा गुण है, बड़ा गुण है 8, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। बाकी आप एलसीएम लेके यहाँ कर सकते हैं, लैसे पे लेके, लघुत्तम लेके कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए मतलब आपको कितना बनाना है, सबको 8 बनाना है, तो 17/2 है, इसको भी 8 बनाना है, तो आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, अभी पीछे बताया था आपको, और ये 29/8, ये तो 8 है ही है, 2 से आप इसमें भाग देते थे, अपन पीछे करा था अपन ने आरोही वाले में, 2 से इसमें भाग दो लघुत्तम में, कितना आएगा, 2 का भाग 8 में तो 4 बार, तो मतलब 4 से गुणा करना है, नीचे कर रहे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 8 को तो 8 ही रखना है, फिर भी देख लो 8 का भाग 8 में दोगे तो 1 बार, तो यहाँ तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। 17 दूना कितना, 17 को 4 से गुणा करो कितना हो जाएगा आपके पास, 68, ठीक है, और 2 को 4 से करोगे तो 8, 29 को 1 से करोगे तो 29, और 8 × 1 = 8। अब देखो दोस्तों मैंने ये कहा था कि आपको नीचे लिखो, ये आपका जो हर है ये समान है, तो एक बार लिख दो, ऊपर जो दिख रहा है वैसे लिख दो, 68 - 29, जैसे यहाँ लिखा था ना 21 + 10, तो यहाँ 68 - 29 लिख देंगे, ठीक है, आप इसको घटा लीजिए, 68 में से 29 को घटाना है, तो 8 में से 9 तो जाएगा नहीं, ठीक है, तो इधर से एक आप हासिल लोगे तो 18, 18 में से 9 घटाओगे तो 9, यहाँ बच गया 5, 5 में से 2 गया तो 3, और 8 का तो 8 ही आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी वही मिश्रित भिन्न का क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहले वही जैसे आपको बताया अभी, आप सबसे पहले अनुचित में चेंज करेंगे इसको, 3 × 2 = 6, और 6 × 2 = 8/3, ठीक है, 2 × 3 = 6, 6 × 1 = 7/2। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है, या तो आप एलसीएम ले लीजिए तब भी 6 ही आएगा, दोनों अभाज्य संख्या है, तो आपको केवल इस 8/3 को तो इस 2 से गुणा करना है, और ये 7/2 है इसको आपको इस 3 से गुणा करना है, ठीक है, और आप 3 और 2 का एलसीएम लोगे तब भी आपके 6 आएगा, लघुत्तम निकालोगे तब भी 6 आएगा, तो ये कितना हो गया आपके पास, 8 × 2 = 16, 3 × 2 = 6, 7 × 3 = 21, 2 × 3 = 6, तो 6 नीचे 1 एक जैसा हो गया हर, तो एक बार लिख दो, ऊपर जो क्या दिख रहा है आपको 16 + 21, तो 16 + 21 लिख दीजिए,
16 + 21 मतलब 6 × 1 = 7, 2 × 1 = 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसमें आपके आंसर मिश्रित भिन्न में दे रखा हो ना दोस्तों, जैसे क्वेश्चन जब मिश्रित भिन्न में होता है, ठीक है, तो आपके आंसर भी मिश्रित भिन्न में निकालना होगा आपको। अगर आपके मिश्रित भिन्न में आंसर निकाल रखा हो तो कुछ नहीं है, आपको केवल ये जो आपके 36 दे रखा है, 37 है, इसको 6 से भाग देना है। ठीक है, 6 का भाग दो 6 बार जाएगा, नीचे कितना बच गया 1, तो आपको इसको इस रूप में लिखना है केवल, पहले 6 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर ये 6 लिखना है, तो 6 सही 1/6। ठीक है, ये जो ऊपर क्वेश्चन करा था आपने, इसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हो कि जो आपके पास है ये कितना है, 39 में 8 का भाग दे लो, तो 8 चौक 32, कितना रह गया आपके पास 7, तो कैसे लिख लो, 4 सही 7/8, तो ये आंसर आ रहा हो, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, वैसे आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो मिश्रित भिन्न में आपके पास प्रश्न है उसका आंसर भी आपको मिश्रित भिन्न में देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए इसका। अगला प्रश्न देखिए, 7/10, 2/5 और 3/2। ठीक है, तो यहां पर आपको तीनों के जो हर हैं असमान है, असमान है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, अभी आरोही में बताया था कि अपन कुछ कर ही नहीं सकते जब तक हर समान नहीं हो, ना तो आप उनको आरोही या अवरोही में ले सकते हो, ना आप उनको जोड़ सकते हो, ना घटा सकते हो। तो इनका जो लघुत्तम लीजिए आप 10 का, 5 का और 2 का। सबसे पहले अपन 2 का ही भाग देते हैं, तो 2 का भाग इसमें 5 बार, इसमें जाएगा नहीं, इसमें 1 बार। ठीक है, फिर आप इसमें 5 का भाग जा रहा है तो 5 का दे दीजिए, तो 2 × 5 कितना हो जाएगा अपने पास 10, ये 10 आपके पास लघुत्तम आ गया। तो अब देखो सबको 10 बनाना है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको आरोही क्रम वाले में, तो 10 को 10 ही बनाना है, मतलब 10 का भाग 10 में दोगे तो एक बार ही जाएगा, तो आपको इसको तो केवल 1 से ही गुणा करना है, आप केवल फॉर्मेलिटी के लिए गुणा कर सकते हो, बाकी 10 का 10 ही रहेगा। 5 का भाग इसमें दीजिए 2 बार, तो 2/5 को आपको 2 से गुणा करना है, 3/2, तो 2 का भाग आप इसमें दोगे तो 5 बार, तो 5 से गुणा करना है। ठीक है, तो इसको आप जब नीचे हल करोगे तो 7 × 1 = 7/10, 2 × 2 = 4/10, और ये 3 × 5 = 15, और 2 × 5 = 10। अब इस देखो सब में 10 आ रहे हैं नीचे, तो 10 लिख दीजिए, उसमें 2 थे इसमें 3 है बस, ऊपर क्या दिख रहा है, 7 + 4 + 15, तो लिख दीजिए 7 + 4 + 15, तो ये कितना हो जाएगा, 15 और 4 19, 19 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 26, 26/10। अब इसका जो प्रश्न है वही आपके किस में है, भिन्न के अंदर दे रखा है, मिश्रित भिन्न में थोड़ी है, उचित या अनुचित भिन्न के अंदर ही है, तो इसका आंसर भी इसमें ही आएगा। अगर मिश्रित भिन्न होता तो मिश्रित में आप इसको भाग देके कर देते, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और ऐसे भी वीडियो आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।